Hi guys, welcome back to my channel. In the previous lecture, I discussed about the types of tissue. So today I am going to discuss about epithelial tissue. So this tissue has a free surface which fetches either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. So iski position ki baat ki jaye तो इसकी पोजीशन है आउटर लेयर ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग स्किन। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनके आउटर लेयर में एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं इंक्लूडिंग स्किन, यानी कि स्किन में भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ऑल होलो ऑर्गन्स ट्रैक्ट, यानी कि जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं लाइक जितने भी ऑर्गन में मतलब स्पेस है वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स ऑफ बॉडी मतलब ग्लैंड्स में भी एपिथेलियल टिश्यू होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, इन एपिथेलियल टिश्यू लिटिल और नेग्लिजिबल इंटर सेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स इज फाउंड। इसका मतलब ये है कि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में मैट्रिक्स कम पाया जाता है, यानी कि दो एपिथेलियल टिश्यू यानी कि बहुत की बात की जाए, यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर की बात की जाए तो उन दोनों के बीच में मैट्रिक्स बहुत कम होता है। एपिथेलियल टिश्यू शोस हाई रीजनरेशन पावर ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू। इज दैट क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू आर एवास्कुलर बट नर्व्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज, ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो सी, ये है एपिथेलियल टिश्यू। आई विल पॉइंट बैक, ये है एपिथेलियल टिश्यू। इसमें नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वास्कुलर होता है। जबकि ये है बेसमेंट व्हिच इज नॉन सेलुलर। बेसमेंट दो टाइप की होता है, इट्स कॉल्ड प्रोटीन्स और फाइबर्स। तो ये बेसमेंट के नीचे ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो ब्लड वेसल्स यानी कि कनेक्टेड टिश्यू। इज इट क्लियर? सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।